झारखंड में बढ़ते अपराध को लेकर सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं, लेकिन जब सियासी पार्टी के दफ्तर में ही काम करने वाले कर्मचारी किसी नाबालिग युवती को किडनैप कर ले तो इससे आप क्या कहेंगे। दरअसल रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र निवासी 12 से 13 वर्षीय एक युवती के परिजनों ने बीजेपी कार्यालय में कर्मचारी के रूप में काम करने वाले ड्राइवर अनिल सिंह को अपहरणकर्ता बताते हुए थाने में एक मामला भी दर्ज कराया है। थाना पहुंचे पीड़ित परिवार से हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने खास बातचीत की है। झारखंड की राजधानी रांची अब अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। एक और लुटेरे सक्रिय नजर आते हैं तो अब लड़कियों के किडनैपिंग के मामले भी सामने आने लगे हैं। इस बार रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां एक युवती को अपहरण कर लिया गया और ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसे युवक द्वारा अपहरण किया गया, वो एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बताया जा रहा है, या कह सकते हैं उस कार्यालय में वो ड्राइविंग का काम करता था, एक चालक था। यहाँ पर पीड़िता के लोग हैं, इनके सही रिलेशन के लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। आप कौन हुए इस लड़की का जिनका अपहरण हुआ? जी हम उनके मामा हैं। अच्छा, क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे हुआ? मामला ये है सर कि कल सुबह 4:30 बजे का बात है, बच्ची जो छोटी सी बच्ची 12 साल की है वो 8th क्लास में पढ़ती है, तो सुबह में झाड़ू लगाने के लिए निकली हुई थी रोड के सामने ही, तो कोई अज्ञात आदमी लोग आया और फोर व्हीलर में स्विफ्ट डिजायर था, जैसे कि हरा रंग का जो प्लेट था उससे हम लोग को लगा, तो उसने अपहरण करके ले गया उसको। तो बाद में एक गार्ड साहब उधरे कहीं पे थे तो वो बताए कि उस लड़की को लेकर के चल गए हैं। अब उसी समय से हम लोग पूरा छानबीन में लग गए, तुरंत थाना में आए अरगोड़ा थाना में, वहाँ पे हम लोग लिखित आवेदन भी दिए हैं, तो वो लोग भी अपने स्तर से छानबीन किए हैं और पता चला इधर उधर बहुत जगह गए हुए थे, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई संतोषजनक किसी भी तरह का गाड़ी बरामद हम लोग का नहीं मिल पाया है। और हम लोग को पूरा शक है कि जो भी अपराधी है उसको हम लोग, मतलब जो आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो ड्राइवर का काम करता था लड़का, उसका कोई लोकेशन या किसी तरह की जानकारी पुलिस की ओर से आप लोगों को बताया गया? अच्छा, उसका 2 मोबाइल नंबर था, दोनों को स्विच ऑफ करके रखा हुआ था, लेकिन जब अभी ले करके गया है तो कभी कभी स्विच ऑफ और ऑन करता है, तो लास्ट लोकेशन उसका मिला है बर्दवान का, बंगाल का। अब हम लोग को ये मतलब संदेह है कि कहीं वो बंगाल में बेच ना दे, ये बहुत बड़ा हम लोग का घर में मातम छा गया है। ये बात आप कैसे, ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि भाजपा कार्यालय का ही वो लड़का था? वो वहाँ पे कार्यालय हम लोग गए हुए थे, वहाँ पे जा करके हम लोग बात भी किए, वहाँ से उसका एड्रेस निकाले, ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग को दिए और वहाँ पे काम करता था, कल परसों रात तक वो काम किया है, उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं छुट्टी ले लिया जाता, तो 100% है कि जो भी हो रहा है वहीं से हो रहा है। हम लोग को तो मतलब शक नहीं बल्कि दावा है कि जो भी काम हो रहा है वहीं से हो रहा है। तो इस लड़के को पहले कभी आप लोगों ने शक किया, पहले कभी देखा इस तरह से? देखिए हम तो उनका मामा है, है ना, तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन उनके जो पापा हैं तो वो तो बोल रहे थे कि हमको हल्का फुल्का लड़का में शक था, और उस दरमियान में एक दो बार उनको बोले भी थे, उनका दुकान है, मतलब मेरा जीजाजी का दुकान है, मोबाइल दुकान है, तो वहाँ पे वो बोले था। ये मामला हुआ कब, आप लोग थाने में कब आके यहाँ रिपोर्ट दिए? कल सुबह 9 बजे के लगभग हम लोग आए, हम सभी मिल करके, और थाने में रिपोर्ट दिलाए इनके जीजा के द्वारा, लड़की के पिताजी के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने लिख के दिया है कि वो जो लड़का यहाँ बीजेपी कार्यालय में ड्राइवरी का काम करता था, जो कि किडनैपिंग का एक दिन पहले से गायब है, तो नामजद यहाँ पे हम लोगों ने FIR किया है, जिसके प्रति कार्रवाई तो हो रही है पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं कि संतोषजनक कार्रवाई हो और जल्दी काम हो, यही ना? बहरहाल तो झारखंड में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से दावे करती है। झारखंड में युवतियों को, महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण की बात भी होती है, लेकिन आज राजधानी में ही अगर महिलाओं की किडनैपिंग होती रहे तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अब फिलहाल पीड़िता के परिवार अरगोड़ा थाना पहुंचे हैं और सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि अब हमारी बच्ची को कहीं वो बंगाल और आसनसोल ले जाकर बेच ना दे। ऐसे में ये गुहार लगाते हुए ये भी कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हो
उसके लिए हमने आपको नाम बताया है। जो भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द इस पर आगे की प्रक्रिया की जाए। सहयोगी दीपक के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची। अड़ोसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो रहता ही है, अपराध के अगर ग्राफ की बात करें तो जिस तरीके से राजधानी रांची में अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं उसके बाद हमने देखा है कि सियासी गलियारों में इसकी चर्चा भी बहुत जोरों पर होती है। लेकिन जब ताजा मामला जो सामने आया हमारे पास कि सियासी पार्टी के दफ्तर में ही काम करने वाले कर्मचारी पर किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए ये हैरत अंगेज मामला सामने आ रहा है क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में काम करने वाला जो ड्राइवर है जिसका अनिल नाम है और उसमें इस पर एक आरोप लगाया गया है पीड़ित के परिवार के वक्त में कि उन्होंने 12 से 13 वर्ष की उनकी जो बेटी थी उनकी जो भगनी थी उसे किडनैप कर लिया गया है और किडनैप के साथ साथ वो अभी फिलहाल रांची में नहीं है। और अगर मान लिया जाए कि ये लोग बात भी किए हैं थाने में इसे लेकर के FIR जो कराया है तो वहां से जो डिटेक्ट किया गया है ये नंबर अनिल का बताया जा रहा है कि ये धनबाद और आसनसोल की ओर जा रहा है। तो झारखंड में जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बातें होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले इन तमाम चीजों से पर्दा साफ करती है कि अब भी झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवतियां सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर पलायन के साथ साथ महिलाओं को जिस तरह से गायब करने का, किडनैप करने का, आपराधिक मामलों का भी बढ़ोतरी हो रहा है ये कहीं ना कहीं यहाँ के लिए चिंता का सबब है। और खासकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो की प्रमुख विपक्षी दल है झारखंड में ये बार बार अपने विभिन्न अभिवादनों में ये सरकार पर आरोप लगाती है वर्तमान की मीडिया गठबंधन सरकार पर कि झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही काम करने वाला एक कर्मचारी या कहे तो उसका ड्राइवर पर आरोप लगना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता है। हालांकि पीड़ित के परिवार जो है वो रांची के अरगोड़ा थाना पहुंचे हैं और वहां पर मामला दर्ज कराया है। इन लोगों ने सीधे तौर पर प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। उन्हें डर इस बात की भी है कि कहीं हमारी बच्ची के साथ कोई गलत काम ना हो जाए या फिर उन्हें बाहर ले जाकर के धनबाद आसनसोल और क्या कोलकाता एरिया में कहीं बंगाल एरिया में उसे बेच ना दिया जाए क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि झारखंड की बेटियों को कई बार बेचने का सिलसिला भी चलता रहा है और कई बार उन्हें वहां से रेस्क्यू कर वापस लाया भी गया है। तो झारखंड में जिस तरह से रेस्क्यू करके लाने का और ले जाने का जो सिलसिला है वो अभी बढ़ती जारी है। ऐसे में चिंता इस बात की भी अंकिता कि आखिरकार झारखंड में इस तरह से युवतियों के ऊपर इस तरह से वार जो हो रहा है यानी कि जो शरारती तत्व के जो माइंडेड जो लोग हैं शरारती तत्व के जो लोग हैं ये इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं इस पर बदनामी सबकी होती है चाहे वो किसी सियासी दल के पार्टी के हो वो अलग सी बात है। लेकिन अगर इस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं झारखंड की बेटियां और राजधानी रांची की बेटियां एक बार फिर से अपने घर से बाहर निकलने में डरेंगी और सोचेंगी कि हम सुरक्षित है या नहीं है और कैसे वो इस तरह से क्योंकि मामला जब हुआ ये सुबह सवेरे का मामला था जब ये बच्ची छोटी सी बच्ची 12 से 13 वर्ष की बच्ची है घर में झाड़ू पोछा करने के बाद जब ये कूड़ा कचरा बाहर फेंकने निकलती है उसी समय ये अनिल नामक जो युवक जो ड्राइवर है वो उसे फोर व्हीलर में बिठा करके स्वीट डिजायर करके जिस तरह से आरोप लगाया है पीड़िता के लोगों ने कि स्वीट डिजायर कार में उसे किडनैप किया गया और वो इसे लेकर के फरार है। हालांकि एक दिन बीतने के बाद भी पुलिस अभी भी कार्रवाई में लगी है डिटेक्ट कर रही है। जी मोइजुद्दीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि राजधानी रांची से खबर सामने आई जहां एक 12-13 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है और सियासी पार्टी में काम करने वाले कर्मचारी पर ही नाबालिग बच्ची को किडनैप करने का आरोप लगाया। तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है क्योंकि मामला संगीन है और कब बच्ची की बरामदगी होती है।